हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इंडिविजुअल स्टार। आज हम बात करेंगे एक मोस्ट इम्पोर्टेंट वैल्यूएबल टॉपिक, दैट इज हम दुनिया और हम लोग जिस बेस के ऊपर आगे ग्रो करते हैं, जिस मंत्र के साथ हम लोग ग्रो करते हैं, वो है कोशिश करना और ट्राई करना। ये वीडियो आप सभी एज का और जो जिस फील्ड में करियर करना चाहते हैं सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। मेरा एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एंड तक देखें ताकि आपको भी पता चल पाए आप कहाँ गलत जा रहे हो। आप लोग को सबको पता है हमारा जो भी ड्रीम है, अगर वो ड्रीम को अचीव करना है तो वन एंड ओनली वन डायरेक्शन, दैट इज ट्राई करना, वो कोशिश करना। जो कोशिश करता है वही सक्सेस को अचीव करता है। हाँ, जो कोशिश नहीं करता है या कोशिश करके बीच में छोड़ देता है, एंड तक नहीं ले पाता है, वो सक्सेस नहीं बन पाता। ये जो कोशिश करना, ट्राई करना, इतना आसान नहीं है, लेकिन इसको जो कर लेता है वही जीत जाता है। एक छोटा सा स्टोरी मैं बताता हूँ, वो स्टोरी में आपको पता चल जाएगा आप कहाँ पे मिस्टेक करते हो। आप लोग सब हाथी को देखते हैं, हाथी का जो ऑनर है उसको छोटा सा बेड़ी से वो बांध देता है उसका लेग में और वहीं पे बंधा रहता है, क्योंकि उसका जो वो जो बचपन था, जो बच्चा था, उसको जब वो ऑनर ने उसी बेड़ी से बांधा था तो वो बहुत बार ट्राई किया है कि उससे निकलने के लिए, उसको तोड़ने के लिए, लेकिन वो तोड़ नहीं पाया था। वो जो फेलोर वो ट्राई किया, जितना बार वो फेलोर हुआ वो अपना माइंड में डाल दिया कि ये मेरे से नहीं हो पाएगा, इससे मैं निकल नहीं सकता। जब वो बड़ा बन जाता है वही बेड़ी है, लेकिन वो चाहेगा तो चुटकी से उसको बेड़ी को निकल के भाग सकता है, लेकिन वो कर नहीं पाता क्योंकि वो दिमाग में डाल दिया है कि ये मेरे से नहीं होगा, तो वो कोशिश करना बंद कर दिया। तो उसी तरह हम लोग भी अपना लाइफ में कोशिश करते हैं और बीच में छोड़ देते हैं जो प्रॉब्लम ज़्यादा दिखता है। क्या पता यही लास्ट कोशिश ही अगर कर देंगे वो प्रॉब्लम सोल्यूशन हो जाएगा और हम जहाँ पहुँचना चाहते पहुँच सकते हैं, बट ये इतना आसान नहीं होता है। आप लोगों को सबको पता है हम लोग बल्ब जलाते हैं, थॉमस एडिसन, वो कितना टाइम फेलोर हुए थे, 9999 टाइम्स। जब उसको कोई एक रिपोर्टर ने पूछे थे, सर आपने 9999 टाइम आपने जो फेलोर हुए तो आप टूट नहीं गए, तो थॉमस एडिसन ने बताए थे कि मैंने फेलोर नहीं हुआ था, मैंने ये 9999 टाइम्स में कैसे बल्ब नहीं जलता है, कैसे बल्ब नहीं बन पाता वो सीखा था। अगर मैं ये नहीं सीखूंगा तो मैं 10,000 के टाइम में जब मैं सक्सेस हुआ वो नहीं हो पाता। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता। देखिए, हम भी वो जो न्यूज रिपोर्टर था, उन्होंने पूछे कि फेलोर हुआ, लेकिन उन्होंने बोले कि नहीं फेलोर नहीं है, ये तो मैंने सीखा कैसे नहीं होता है। अगर मैं ये नहीं सीखता तो कैसे होता है, मैं कैसे सीखूंगा। अगर हाथी ने दिमाग में नहीं डालता कि ये मैं तोड़ नहीं पाऊंगा तो वो तोड़ के भाग जाता है, कि कोई भी हाथी ऑनर के पास ऐसे झुकते नहीं रहता। तो इसीलिए बोला जाता है फील्ड में हरा हुआ इंसान जीत सकता है, बट मन से हरा हुआ इंसान कभी नहीं जीत सकता है। और एक छोटा सा स्टोरी मैं बताता हूँ, ड्रीम को अगर आपने अचीव करना चाहते हो तो वो ड्रीम किसी के एनवायरमेंट में आते या किसी मैन पावर का आने से, किसी आदमी के इन्फ्लुएंस से ड्रीम चेंज नहीं होना चाहिए। ड्रीम मीन्स वन, और वही हमारा ड्रीम है, वही लक्ष्य है, उसी को अचीव करना है। कुछ बच्चे 8 स्टैंडर्ड का स्टूडेंट पढ़ रहे थे, उनका एक जो ड्राइंग टीचर था उनको कुछ बोले कि आप अपना लाइफ में जो भी कुछ बनना चाहते हो उसको आप ड्राइंग के हिसाब से डिस्क्राइब करके लाना, वो होम टास्क दी। तो सारे बच्चे चले गए घर, शाम को जो जैसा बनना चाहता, कोई इंजीनियर का ड्राइंग बनाया था, कोई डॉक्टर का बनाया था, जो जैसे कोई बिजनेसमैन का बनाया था, जो जैसे सोच रहे होने के लिए वो ड्राइंग को पिक्चराइज करके ले आए। तो वो जो ड्राइंग टीचर थे सबको 10 out of 10 दिए, बहुत बढ़िया से बनाए थे सर। एक स्टूडेंट वहाँ पे था, उसका ड्राइंग देख के टीचर ने बोले ये नहीं हो पाएगा, ये तुम गलत बनाया, मना कर दिए, बोले कि तुम कल दोबारा बना के लाना। तो बता गया, फिर दोबारा सोचा, फिर एक ड्राइंग बना के लाया, फिर स्टूडेंट दिखाया नेक्स्ट डे टीचर को। टीचर देखने के बाद बोले कि मैंने तो तुम्हें कल मना ही कर दिया था, ये हो नहीं पाएगा, तुम फिर दोबारा उसको क्यों बना के लाए। तो डांटने चालू कर दिए। तो स्टूडेंट ने बोला, सर मेरे दिमाग में ये ही आया तो मैंने दूसरा वही बनाया, ये ड्राइंग में ये बनाया था, उसके पास एक बड़ा सा घर है और साइड में 100 horses का लाइन लगा हुआ है और उसके पास 5 गाड़ी है और डिफरेंट डिफरेंट कलर का, वो जो घर बनाया था हर सेक्शन में डिफरेंट डिफरेंट कलर विथ डिजाइनिंग किया था। तो ये
जो बच्चा का जो ड्रीम हुआ, वो 8th स्टैंडर्ड का स्टूडेंट था, इसी हिसाब से वो बहुत बड़ा ड्रीम देख लिया था, तो टीचर को लगा कि यस ऐसे बना दिया एक फिल्म स्टाइल का, तो उसने उसको मना कर दिया था। तो उसको ये दोबारा देख के भी गुस्सा होकर वो ड्राइंग में कोई मार्क नहीं दिए, दे दिए। और वही बच्चा अगले 25 ईयर्स के जाने के बाद वो उसी टाइप का घर बनाया था, डिफरेंट डिफरेंट सेक्शन जो कलर वो ड्राइंग में बनाया था उसी तरह रखा था, 100 हॉर्सेस रखा था, जिस जिस कलर का गाड़ी वो बनाया था उस कलर का गाड़ी उसने रखा था। इससे ये उसको इसलिए वो अचीव किया कि वो जो ड्रीम देखा, टीचर ने डांट दिया, आके चेंज कर देते। यही करते हैं हम लोग, जो भी करता मैं तो कर लेता हूँ, जो करते हैं उसका ड्रीम ड्रीम नहीं होता, वो तो इन्फ्लुएंस वाला है। आज मैंने देख लिया आईएएस का पावर इतना है, मैं आईएएस बनूंगा, आईपीएस का पावर इतना है, आईपीएस बनूंगा, बिजनेसमैन का पास इतना पैसा है, मैं बिजनेस बनूंगा। तो ये क्या होता है ना, इन्फ्लुएंस। हमें क्या बनना है, वो हमें अंदर से आना चाहिए और वही आना चाहिए, ना कि सरकमस्टेंस के वजह से हमें चेंज करना चाहिए। सो माय डियर फ्रेंड्स, आप ऐसे कुछ करके दिखाइए ताकि आप आपके ऊपर खुद और आपका फैमिली और फ्रेंड्स प्राउड फील कर सके, नहीं तो जिंदगी ऐसे लाखों पैदा हो रहे और लाखों मर जा रहे, कोई फायदा नहीं है इस तरह का जिंदगी, कोई फायदा नहीं है। जैसे बोला जाता ना, आप अगर गरीब फैमिली में पैदा हुआ है तो वो आपका गलती नहीं है, बट आपने 40 साल 50 साल जिए और वैसी गरीबी में मर गए और आपने दोष दिए, मैं तो ऐसा था, मेरा फैमिली ऐसा था, मेरा सिचुएशन ऐसा, तो ये आपका गलती है। तो माय डियर फ्रेंड्स, उंगली करना छोड़ दो, अपना ड्रीम के लिए ही काम करो और एक दिन सक्सेस पाओगे। लेकिन सक्सेस पाने के लिए ट्राई ट्राई ट्राई, जैसे बोलते हैं ना एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट, उसी तरह ट्राई ट्राई एंड ट्राई इज द ओनली वे टू अचीव योर ड्रीम्स। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए, ताकि दूसरा अपना गोल को अचीव कर सके। थैंक यू।